नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। जल पुरुष के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि भारत में 17 राज्यों के 365 जिलों में जल संकट को लेकर हालात चिंताजनक है। दुर्भाग्य से हम फिर भी जल प्रबंधन को लेकर चौंके नहीं, हमारे पूर्वज अनुशासन के साथ जल प्रबंधन करते थे, लेकिन हमने अपने पूर्वजों से सबक नहीं लिया। बेहतर हो कि हम अब भी समझ जाएं। चीन से उत्पन्न कोरोना वायरस से भारत सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हमारी सरकार इसके प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, किंतु हमें स्थायी रूप से ऐसी व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना होगा जो हमारे वातावरण में वायरस ना पनपने दे और ना ही फैलने दे। स्वच्छता इसका सबसे जरूरी तरीका है। हालांकि अब देश साफ रहने लगा है, लेकिन जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है। यज्ञ हवन कपूर का प्रयोग, तुलसी के पौधे घर में रखना, वृक्षों की पूजा, सुबह शाम दीपक जलाना आदि हमारी ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जो स्वतः रोगों को दूर रखती हैं। यह पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। यह सब करने से किसी तरह के संक्रमण की आशंका नहीं रहती और वातावरण भी विषाणु जीवाणु रहित रहता है। किंतु पश्चिमी सभ्यता की आंधी में दुर्भाग्य से हम हमारी परंपराओं को भूल रहे हैं। अब जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कोरोना से बचने के लिए नमस्ते करने को कहा है, तो सब हमारी परंपरा की प्रशंसा कर रहे हैं। समय अनुसार जिंदगी में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है, वरना समय हमें हमारी जरूरतें बदलने पर मजबूर करता है। कहते हैं, कृत्य करने से कभी मच्छू को हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं होती और विरोध नहीं तो प्रगति नहीं होती। अक्सर लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें गलत मत समझो, क्योंकि आप उनकी जिंदगी वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। बाकी किसी को आप दिल से चाहो और वो आपकी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, आपकी नहीं। जय हिंद।